अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज कह लें कि दोस्त के पास आए हैं, एक तो वैसे लक्कों की वैरायटी देखने पिजन्स, और साथ में ये कुछ अपने देना चाह रहे हैं पेयर्स, जिनमें ब्लैक टेल्स हो गए। और कौन से पेयर्स हैं? ब्लैक टेल के 5 जोड़े हैं, जिसमें एक जोड़ा जो है वो है 0 कली में, सही। दूसरा जोड़ा है जो है वो है 4 कली में, और तीसरा जोड़ा जो है वो है 8 कली में, सही। और दो जोड़े जो है वो है जी 9-10 कली में, और 5 जोड़े हैं ब्लैक टेल। ये मतलब A1 कटिंग में है, इनमें कोई पर जो है वो आउटिंग में नहीं है, सब फ्रेश कटिंग में है। इनकी नैपियां जो है वो ब्लैक है, अभी आपको चेक कराते हैं। और इसके अलावा और कौन से ब्रीड? इसके अलावा मेरे पास एक वो जो है व्हाइट इंग्लिश का बच्चों का जोड़ा पड़ा है, उसके अलावा मेरे पास एक इंडियन का बच्चों का जोड़ा पड़ा है, अभी मेरे पास एक इंग्लिश के बच्चे हैं, सही। और इसके अलावा मेरे पास इंडियन के बच्चे पड़े हैं, सही। यानी कि ज्यादातर ये बच्चा पार्टी है जो आपने देना चाह रहे हैं। और जो 5 जो है ना ब्लैक टेल, उनमें तकरीबन 3 पेयर जो है वो तैयार है, सही। और एक जो है वो 0 कली में है, और दूसरा जो है वो 4 कली में, मतलब 3 पेयर उसमें तैयार है, और बाकी जो 3-4 पेयर है वो तकरीबन जो है कलियों में है, 1 में 2 में, कोई 0 कली में, सही। इस तरह, सही। बाकी मेरे पास माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी लगी हुई है, व्हाइट इंग्लिश की। तो शौक करवाते हैं इनके पास जो जो से है पिजन्स। तो मैं यहाँ पे दरअसल आया था खुद, अब मुर्गियों से थोड़ा सा दिल चालू हो गया, जो क्योंकि मुर्गियों का सीन जो ऐसा आता है कि अभी तक उनका असीलों का ही शौक ही है, जो ये फैंसी वराइटीज में इनकी केयर ज़्यादा है और बीमारियाँ इनकी भी ज़्यादा हैं उसी लिहाज से, असील या देसी मुर्गियाँ उनको कम ही पड़ती है, आ जाती हैं उनमें भी। लेकिन जो पिजन्स का है बचपन से रखते रहे हैं, इनका अल्हम्दुलिल्लाह नज़ला ज़ुकाम जो भी है ना वैक्सीन्स का पता है, और इनकी बीमारी का इलाज भी हमारे पास है, अगर कोई बीमार हो जाता है सोकड़ा हो जाता है। अभी मेरा जो पर्सनली मूड बन रहा है कि मैं भी पिजन्स का ही करूं, क्योंकि मुर्गियों से फ़िलहाल मैं दिल बर्दाश्ता हो चुका हूँ, और यहाँ इसलिए मैंने देखने आया हूँ उनके पास पेयर्स की क्वालिटी, क्योंकि इन्होंने फ़िलहाल ये लक्कों का शौक किया हुआ है, ब्लैक टेल, रेड टेल, इंडियन, इंग्लिश, और बाकी जो ये देना चाह रहे हैं ये देखें जो भी वैरायटी, इनका मैं आपको नंबर मेंशन कर दूंगा, लिख दूंगा सामने, ठीक है, डायरेक्ट बिला कोई आप टेंशन लिए, ठीक है, ट्रस्टेबल बंदा मैं हूँ तो आप इसे भी समझ लें। और जो भी अगर आप इनसे चेक कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ ये देना चाह रहे हैं, और अगर पसंद आती है आपकी डील आपस में बन जाती है तो आप ले सकते हैं, इनको पेमेंट लगवा सकते हैं और ये वही चीज़ आपको भिजवा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। अभी आपको दिखाते हैं इनके जो और पिजन हैं, बाकी मैं भी अभी जहन बना रहा हूँ कि कौन सी वैरायटीज रखूँ और प्यारी भी लगें और अच्छी भी लगें, ठीक है। ये है जी, ये देखें जैकोबिन, एक फीमेल है या बच्चा है? ये बड़ा हो रहा है, अभी कलियों में आ रहा है, बस ये पठा कह लेंगे, अभी ये हाफ एज हो गई में है, इसका नकाब मैंने काटा हुआ है, हाँ, इसकी ये कटिंग की हुई है अभी तक, वो इसी तरह फ्लाइंग नहीं ना करता था, दाना भी नहीं खाता था, सही। तो इसलिए ये जो साइड से काट देना तो ये फ्लाइंग भी ठीक करते हैं और दाना पानी भी सही खाते हैं और जल्दी ये जो है ना वो अपने जवान हो जाते हैं। ये साल वो कुटर है गुब्बारा, यहाँ ये गुब्बारा, ये भी बच्चा है, सही। और ये इंग्लिश, ये इंग्लिश के हैं, इंग्लिश के इस 2 पहले के जो चिक्स हैं वो तो मेरे पास अभी पड़े हुए हैं, वो मैंने सेल कर रहे हैं, सही। तो उसके बाद जो इसने चिक्स निकाले हैं वो भी इधर मैंने किसी और फोस्टर के नीचे रखे हुए हैं, ये फिर इसने जो है ना अंडे उतारे हुए वो भी आपने देने हैं। और ये ब्लैक टेल का पेयर है, एक ब्रीडर मेरे ख्याल अंडे शंडे दिए हुए हैं, बच्चा निकाला हुआ है इसने, सही। वो बच्चा दिखा दें, कोई नहीं बैठी रहे, हीटर वैसे ही टेम्परेचर का मसला है। ये भी इंग्लिश है? नहीं, ये इंडियन है, इंडियन, इसके बच्चे मैंने सेल करने हैं, ये दोबारा फिर जो है ना वो अंडों पे आई हुई है मर्दी, सही, ब्रीडर पेयर है ये, हाँ ये ब्रीडर पेयर है, अगर ये भी कोई लेना चाहे तो ये भी दे देंगे, ये भी मिल जाएगा, बाकी आपका नंबर दे दिया जाएगा, जिसको जो चीज़ चाहिए और जो चीज़ आपके पास अवेलेबल होगी कॉन्टेक्ट हो जाएगा आपस में, तो फिर वो देख लीजिएगा जैसे भी आपका सीन बने। बाकी ये कौन सी, ये फ्रिल जेट ब्लैक मेरे ख्याल इसको बोलते हैं, फीबल
इसके साथ वो नर जो है सादा सा ये वाला लगा हुआ है, नर भी प्यारा है, डबाज जैसा बोलते हैं। और बेसिकली मुझे जो इस तरह के है ना डबाज ब्लैक में आ जाए, रेड में आ जाए, बच्चे बहुत प्यारे निकलते हैं, बहुत प्यारे मुझे लगे इनके। मेरे ख्याल बच्चे निकले भी हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले जो निकले हैं वो ब्लैक निकले थे, सही सही वो ब्लैक हैं। और ये जो है ये बाप पे चले गए दोनों। इनका भी कलर बड़ा यूनिक कलर है, सिल्वर है मेरे ख्याल में, रेडिश और सिल्वर ज़्यादा पड़ रहा है, बड़ा यूनिक कलर है इनका भी। और ये है अंडे शंडे के लिए एक पेयर, ये एक्स्ट्रा जो पेड़ जिन्होंने रखे हुए हैं ब्रीड लेने के लिए, यानी कि अगर कोई लक्का या कोई और ब्रीड करते हैं तो अगर इनके भी अंडे साथ उतरते हैं तो अंडे एक्सचेंज कर देते हैं। इससे ये कि डबल बंदा ब्रीड ले लेता है, इधर अंडे उनके चेंज हो जाएंगे, फिर वो दोबारा अंडों पे आ जाएंगे। और इस तरीके से दो दफ़ा एक ही सीज़न में दो दफ़ा चार दफ़ा ले, वैसे आप वो ही ना कि जितनी चेंजिंग कर लें। अगर मेरे पास वो ब्लैक टेल के निकले पड़े बच्चे वो दूसरे के नीचे, ये लक्कों के नीचे ब्लैक टेल के बच्चे दिखे। अब ये देखें ये इनके पेरेंट्स नहीं है, ये रफ हैं थोड़े से, हल्की क्वालिटी के लक्के इंडियन बोल हैं, लेकिन जो ये बच्चे हैं ये ब्लैक टेल हैं, ये बड़े पेयर्स के हैं, यानी कि अंडे बदल दिए थे इनके, चेंज कर दिए और ये बच्चे पा रहे हैं। इससे ये कि बंदा आप एक सीजन में जहाँ आपके पास 10 पीस यार होते हैं आप वहाँ 20 पीस यार 30 भी कर सकते हैं, मेहनत पे है, जितनी कोशिश कर ली जाए और ट्रिक्स लगा ली जाए। इंग्लिश के भी बोले, ये भी शराजी का एक पेयर है, ये इधर मैंने इंग्लिश के बच्चे निकले हुए हैं, दोनों पीस निकले हुए हैं, ये देखें एक्टिव है माशाल्लाह। और ये दो बच्चे इंग्लिश के निकले पड़े हैं, वो वाइट इंग्लिश है। ये भी पेयर प्यार, लेकिन मुझे जो है ये चीज़ें काम देती हैं इस तरह का बाइक के साथ ट्रेन करने के लिए, जो बच्चा शच्चा है। अब मेरी तरह अभी तक ब्रीड नहीं आ रही, पेयर्स हैं लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, और अभी थोड़ी सी मस्ती पकड़ रहे हैं दो चार मीट में मेल, तो दुआ कीजिएगा वहाँ से भी ब्रीड मेरी भी शुरू हो जाए और हम घर के बच्चे पले हुए खुद हैंड टेम करें, फ्लाई टेम करें। ये सारे भी आप दिखा दें, नेपियर वगैरह यूके पीछे से प्लेन जो है पीछे से ज़रा दिखा दें, मेरे पास भी ऑलरेडी है, लेकिन वो मुझे गिफ्ट आया था फिर आपने देखा ही है, ये भी माशाल्लाह से उससे अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है। बाकी बंदा तसल्ली वाला है, कोई टेंशन वाली डाउट वाली बात नहीं है, नंबर आपके सामने है और आप इनसे इजीली कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप पर जो भी चीज़ कोई लेना चाहता है, अगर आपकी आप उसमें सेटिंग मेटिंग हो जाती है हर चीज़ की तो आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। एक ये है जी ब्लैक टेल का, ये भी तैयार है बिल्कुल, ये जो फीमेल है मेरे मेल मेरे वाली फीमेल की तरह है, उसकी भी ये चूँच ऊपर से थोड़ी ब्लैक है, अलफ नोक हम इसको बोलते हैं वैसे आम लफ्ज़ों में, तो बिल्कुल इस तरीके से, और मेल इस तरीके का ही है। ये इंग्लिश के साथ चिक्स हैं माशाल्लाह, बड़े प्यारे हैं, ये भी इन्होंने देने, और मैं कल दो दिन कली के हैं, ये नहीं ये जीरो कली के, जीरो कली के हैं, ये जीरो कली के हैं, लेकिन ये बहुत हेल्दी है, मैंने क्वालिटी अच्छी है, टेल शेल अच्छी है, और वो जो है ना वैक्सीन शुदा है ये, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। बाकी आई होप आपको जो भी चीज़ पसंद आएगी तो आप इजीली आप कॉन्टेक्ट कर लें। अल्लाह हाफिज़।